नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल सुरेश सेवलिया के चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2018 का ये मेरा पहला वीडियो है जो आज मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल के जो बटन्स होते हैं, पुश पुश बटन होते हैं, इमरजेंसी बटन होते हैं, कनेक्टर होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं वीडियो बनाता दोस्तों आगे भी, जैसे मान लो अपने वायरिंग फायरिंग की, बट मैं नहीं बना पाया दोस्तों, इसलिए नहीं बना पाया मैं दोस्तों को। पहले मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से समझा लूँ दोस्तों, उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में वीडियो डालूँ जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन इसके बारे में। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा सभी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर है दोस्तों। जैसे अपना सप्लाई लेनी है, आर वाई भी कोई सी भी सप्लाई देनी है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो अगर सप्लाई आते ही इसमें इंडिकेट हो जाएगा, ये जल जाएगी दोस्तों, लैंप हो गई समझ लो। ठीक है दोस्तों, इसके दो टर्मिनल होते हैं, इसमें इसमें फेस जोड़ेंगे, इसमें न्यूट्रल जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया इंडिकेटर, सिंपल सी बात है, इंडिकेट इंडिकेट करने का काम आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी बताऊंगा आपको मैं, ये जो है दोस्तों इसको अपन कनेक्टर भी बोल सकते हैं दोस्तों, कनेक्टर, ये वायर कनेक्ट करने का काम आता है दोस्तों। एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कनेक्टर बोलते हैं दोस्तों। ये अंदर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसमें ये पिन लगी होती है जो अपन वायर कसते हैं इधर से दोस्तों, इधर से वायर डालते हैं दोनों तरफ से, ये देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब कनेक्टर बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको दो वायर जोड़ने के काम में लेते हैं दोस्तों, ये कनेक्टर होता है। तो अपन चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पुश बटन है दोस्तों, ये अपना है एनओ, ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये एनओ हो दोस्तों। ये एनओ किस काम आता है दोस्तों, इसका सिंबल ऐसे होता है दोस्तों। हम क्या करेंगे, जो इसका ये बटन है दोस्तों, ये वाला, इसको अपन दबाते हैं ऐसे, तो क्या है जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, तो मतलब कि दोनों को कनेक्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें से वायर इधर डालेंगे तो सप्लाई आ जाएगी इधर से। ये पहले एनो होता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, ये है ना नॉर्मली ओपन होता है, और अपन इसको पुश करेंगे दोस्तों इस बटन को, तो क्या होगा, ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये क्लोज हो जाएगा तो इसमें सप्लाई ट्रांसफर हो जाएगी आगे किसी भी, ये बटन हमें स्टार्ट करने में यूज में लेते हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए यूज में लेते हैं दोस्तों, ये एनओ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसको अपन दबाएंगे तो ये दोनों इस कनेक्टर में ये चिपक जाएंगे दोस्तों। ये देखो, ये इसे चिपक गया ना ये दोस्तों, ये अपना इसमें सप्लाई इधर से वाया गया, इधर से वाया गया, इसमें सप्लाई ऑन हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये अभी इसमें है ऐसे, तो इसमें ये नॉर्मली ओपन है तो इसमें कोई सप्लाई नहीं जाएगी जब तक कि आपको अपन लोग इस पर, इस बटन पर प्रेस नहीं करेंगे, इसको पुश नहीं करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एनओ, और ये है दोस्तों आपका एनसी, आपको दिख रहा होगा दो टर्मिनल, 1 और 2, इसमें बताया था आपको 3 और 4 टर्मिनल होते हैं, इसमें एनओ में 3 और 4 टर्मिनल होते हैं, और एनसी में होता है अपना 1 और 2, 1 और 2। तो ये एनसी होता है दोस्तों, ये होता है
नॉर्मली क्लोज। ठीक दोस्तों, ये नॉर्मली क्लोज होता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया अपना इसका सिंबल ऐसा होता है दोस्तों। इसमें अगर पहले से पैसे जाती रहेगी, इसमें जाती रहेगी, ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा दोस्तों ये नॉर्मली। और जब पर हम इसको पुश करेंगे, जब इसके ऊपर से अपन इसको पुश करेंगे, इस बटन को इसको पुश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ये हो ना, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब इसका कनेक्ट टूट जाएगा, मतलब ये सप्लाई है ना, इसमें बंद हो जाएगी सप्लाई आना, ठीक है। अगर इसको वापस छोड़ेंगे तो ये इसी व्यवस्था में आ जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा ये, नॉर्मली ये ओपन हो जाएगा, इस सर्किट है ना ऊपर ओपन हो जाएगा पुश करने के बाद, और इसको छोड़ने के बाद में वापस ये वैसे ही नॉर्मली क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया अपना एनसी पॉइंट, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसी और एनओ। इसका आप समझ जाओगे तो कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। दोस्तों ये भी ये एक पुश बटन है, ये इंडिकेटर है, इसमें पुश बटन और इंडिकेटर दोनों है दोस्तों। इसके अंदर इसमें लैंप लगी हुई है, जो अपन पुश दबाते ही ओके हो जाएगा,